नमस्कार दोस्तों, आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि ये जो पीछे पानी दिख रहा है, ये नदी का पानी इतना हुंकार मारता है कि आप देख सकते हैं ऊपर से आ रहा है पहाड़ों से। ये मरणिकन साहब है जो मैं आपको वीडियो लाइव दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं यहाँ पर जो है पानी बहुत ही, कहते हैं कि शेषनाग जी ने ये पन से ऊपर आता है पानी, ऊपर को आता है, देख सकते हैं कैसे आ रहा है। तो दोस्तों, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ नेचुरल और प्राकृतिक बनाता हूँ, और ये एक धार्मिक स्थान है। तो देख सकते हैं यह ये जो पानी आता है बहुत ही तेज़ है, कहते हैं कि शेषनाग जी के जैसे फन से ऊपर से आता है पानी, ये पानी ऊपर को मारता है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में कमेंट जरूर करें कि वीडियो आपको कैसा लगा है, और साथ ही वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ऐसे वीडियो बहुत ही कम बनाए जाते हैं और कम दिखाए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं इस वीडियो में ये जो पानी है बहुत ही जो है अमृत से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भगवान भोलेनाथ ने 11,000 साल तक तपस्या की थी। तो इस मंदिर का नाम है मणिकरण साहब, आप देख सकते हैं। और पानी यहाँ जो है उफान मारता है, इतना पान मारता है कि यहाँ पता नहीं कितना पानी आ रहा है पीछे। तो दोस्तों, देख सकते हैं पानी जो है बहुत ही तेज़ है, और जिस हिसाब से पानी यहाँ उफान मारता है, तो कहते हैं कि शेषनाग जी ने उफान मारा था, तो उससे ये जो पानी है ऐसे ही आता है, देख सकते हैं। और पीछे देख सकते हैं कितने बड़े बड़े पहाड़ हैं, और इन पहाड़ों पर और यहाँ पर बर्फ़ गिरती है, आप देख सकते हैं। ये हिमाचल प्रदेश के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, इनको मणिकरण साहब के नाम से जाने जाते हैं, यहाँ पर गुरु नानक देव जी ने भी तपस्या की थी, यहाँ पर भगवान श्री राम का भी प्राचीन प्राकृतिक मंदिर है, और साथ में भगवान शंकर का भी मंदिर है।